मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और एक महीने तक रहते हैं। सूर्य देव की गति उत्तरायण होती है, जिसे दान स्नान के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष में इस दिन कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। रोज की तरह कुछ लोग मकर संक्रांति के दिन भी सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि इस दिन सिर्फ गंगा या पवित्र नदियों में ही स्नान का महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। मकर संक्रांति के शुभ दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर पर पानी में काले तिल, हल्का गुड़ और गंगाजल मिलाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। 3 मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। 4 मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। 5 इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये कार्य वर्जित है। 1 मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। 2 यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए।